हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ अमित और हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ रिडक्शन। रूल्स ऑफ रिडक्शन इज़ अ प्रोसीजर जिसमें हम कॉमन लैंग्वेज स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे उनके लॉजिकल फॉर्म में। अब ये लॉजिकल फॉर्म क्या होता है, ये हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर्स में कि एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रपोजिशन अगर आप देखोगे तो उसमें चार चीज़ें होती हैं। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्वांटिफायर एंड कैपुला। ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा हुआ है तो उसी को हम लेके चलेंगे आगे। और ये जो लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं। आइए एग्जांपल से देखते हैं, समझते हैं। देखिए ये पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो है राम इज़ मॉर्टल। ठीक है, चार टाइप ऑफ प्रपोजिशंस हमने देखी थी, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर नेगेटिव, और इन्हें रिस्पेक्टिवली हमने डिनोट किया था ए, ई, आई और ओ से। ठीक है, आज हम पहले कुछ एफर्मेटिव स्टेटमेंट्स का एग्जांपल लेके चलेंगे एंड बाय नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको ई, आई और ओ के भी एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है, आप ये पहला एग्जांपल देखो, ये क्या है, राम इज मॉर्टल। ठीक है, ये एक एफर्मेटिव सेंटेंस है, ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है और ये हम थ्रू आउट ये चीज़ मान के चलेंगे। ठीक है, इसे हम ए टाइप ऑफ प्रपोजिशन में डालेंगे। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, यूनिवर्सल पॉजिटिव, ये एक यूनिवर्सल रूल इन्होंने बता दिया कि राम इज मॉर्टल, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं है, ना पीछे ना आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम समझेंगे, एवरी एवरी ह्यूमन मेक्स मिस्टेक, जहाँ पर भी आपको इस तरीके के चीज़ें देखने को मिलेंगी जैसे एवरी और ईच या एनी वन या ओनली या अलोन, ये जो तीन या चार आप क्वांटिफायर्स देखोगे तो इसे आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो उनके लॉजिकल फॉर्म में ऑल की मदद से। इसे हम ऑल वाले में डालेंगे, यानी कि एवरी ह्यूमन मेक्स मिस्टेक को हम कन्वर्ट कर सकते हैं ऑल ह्यूमंस आर स्पीशीज दैट मेक मिस्टेक, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो एक ऐसी स्पीशीज हैं जो कि मिस्टेक करती हैं। ऑल क्या हो गया, क्वांटिफायर दिख रहा है। ठीक है, ह्यूमंस क्या हैं, सब्जेक्ट, और यहाँ पे आर कैपिला हो गया, यानी कि ये रिलेशनशिप बताएगा प्रेडिकेट के साथ, प्रेडिकेट हमारा स्पीशीज हो गया। ठीक है, तो ऑल ह्यूमंस आर स्पीशीज दैट मेक मिस्टेक। ठीक है, इसमें जो प्रेडिकेट है वो स्पीशीज के साथ आ रहा है ये पूरा। ठीक है, सिर्फ स्पीशीज को आप प्रेडिकेट ना मानना, पूरा का पूरा ये सेंटेंस प्रेडिकेट में कन्वर्ट हो गया ताकि हम ये व्याख्या कर सकें कि ये जो चार चीज़ें हैं वो हमारी लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं, दिख रही हैं। ठीक है, ये सब इस तरीके के स्टेटमेंट्स जैसे एवरी या ईच स्टूडेंट या एनी वन या ओनली या ऑनेस्ट, ये अलोन दिख रहा है ना आपको, ये सब ऑल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई भी इसमें से उठा लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक और कौन सा लूँ, ये ले लेता हूँ, ईच स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। इसका कैसे कन्वर्जन आएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर पर्संस that participated in the event। ठीक है, इसमें आपका क्वांटिफायर कहाँ दिख रहा है, ये आपका क्वांटिफायर है ऑल। इसमें आपका सब्जेक्ट कहाँ है, ये स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट है। इसमें कैपुला कहाँ है, ये रहा आर कैपुला, और बाकी ये आपका प्रेडिकेट है persons that participated in the event। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही हो, और आगे के स्टेटमेंट्स और देख सकते हो आप, जैसे ओनली इंडियंस आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। चलिए इसको भी मैं कन्वर्ट करता हूँ यहाँ पे, ओनली इंडियंस आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, इसका वैलिड कन्वर्जन क्या होगा, यानी लॉजिकल फॉर्म क्या होगा, ये होगा ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज आर इंडियंस। देखिए थोड़ा ट्रिकी है ये थोड़ा ट्रिकी है, ये ध्यान रखना होगा आपको कि जब ये ओनली वाली प्रॉब्लम्स आएंगी तो कन्वर्जन आप देख रहे हो पलट रहा है, यहाँ पर
जिस चीज़ को प्रेडिकेट होना था वो सब्जेक्ट हो गया, और जो सब्जेक्ट था वो प्रेडिकेट हो गया। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है यहाँ पर, ये ओनली वाली प्रॉब्लम्स आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे। ठीक है, ऐसे ही कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स इसकी भी होंगी। ये जो आप देख रहे हो एग्जाम्पल, दी ऑनेस्ट अलोन आर सक्सेसफुल, इसका कन्वर्जन क्या होगा? इसका कन्वर्जन होगा ऑल सक्सेसफुल पर्सन्स आर ऑनेस्ट। ये देखो आप, इसका कन्वर्जन ये होगा, ऑल सक्सेसफुल पर्सन्स आर ऑनेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये इस तरीके के सवाल कुछ ट्रिकी हो सकते हैं, और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम ऐसे भी तो लिख सकते थे इसको, इसको लिख सकते थे ऑल इंडियंस आर स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज, ये भी तो लिख सकते थे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी होगी आपको कि यहाँ प्रेडिकेट पलटेगा, यानी कि यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो प्रेडिकेट दिख रहा था वो सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, इस चीज़ का आपको इस तरीके के कन्वर्जन्स में ध्यान रखना होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ई टाइप ऑफ प्रपोजिशंस को हम कैसे लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और आगे आई और ओ भी देखेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो, और ये सिलोगिज्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही भूमिका बनाई जा रही है, उससे पहले ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।